गुणवाना सगाल कुन सेवा जोहार। तो चलिए सगाजन, हमारे पेनवारी देववारी पंडुम में बाहरी संक्रमण कैसे हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। ये लेख है नारायण मरकाम जी का, जो उत्तर बस्तर कांकेर से है, KBKS कोया भूमकाल क्रांति सेना, बूम गोटिल यूनिवर्सिटी बेड़मा मार, उत्तर बस्तर कांकेर। साधारण घुसपैठियों द्वारा हमारे प्रकृति सम्मत देववारी पेनवारी भूकुरा सेवा हिता पंडुम कुमोर पंडुम को तेजी से प्रदूषक पर्व में तब्दील किया जा रहा है। मूलवासियों को कोयतुरियांश प्रकृति को सहेजने वाले मानव प्रजातियों को दिक्कुओं के आडंबरों से भरे भ्रम जाल से हर हाल में अब निकलना ही होगा। देश भर में मूलवासियों का त्यौहार प्रकृति को सहेजने का एक प्रयास होता है, ना कि प्रकृति को परेशान अर्थात नष्ट करने का प्रपंच। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना होगा। हमारा यह मूल त्यौहार कार्तिक महीने के एकम चंद्र की स्थिति में सौर दिवस में मनाई जाती है, जो अगहन मास तक प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर चलता रहता है, जिसमें मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोंदा अर्थात बैल के सम्मान में स्थापित भूकुरा सांड भूकुर्रा गोंडी लैंग्वेज में सेवा अर्जी दी जाती है। साथ ही गांव व्यवस्था अर्थात नार सिस्टम में उस अद्भुत व महत्वपूर्ण स्थान जहां पर की मिट्टी में हल्की नमी लिए हुए नमक व क्षारी तत्वों के सतत प्रवाहों वाली होती है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जगहों पर गांव के समस्त मवेशियों को मिट्टी चाटते या खाते देखे जाते हैं। इन जगहों को तलूर मुत्ते के नार सिस्टम के अनुसार चूहका पेन स्थल मानकर वहाँ पर मवेशियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए नार अर्थात गांव गायता द्वारा सेवा की जाती है। बहुधा ऐसे स्थलों पर मानवीय विकास गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गांव वंशियों के पाचन सिस्टम के लिए ऐसा करना स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। अनुकरणीय पहलू यह है कि ग्रामवासियों के द्वारा गाय बैल व भैंसों के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जैसा कि वर्तमान गौ रक्षा के नाम पर कुछ ढोंगियों के द्वारा किया जा रहा है। पशुओं तक में भी लैंगिक विभाजन की एक ऐसी कुप्रथा के कारण ही दिकुओं के घरों व उनके प्रभावित क्षेत्रों में आज आधुनिक युग में भी पुत्र मोह में निरीह कन्या शिशुओं अर्थात भूणों की हत्या कर दी जाती है। यह आंकड़ा लगभग 200 कन्या भूण की हत्या प्रति हजार लड़कों तक पहुंच गई है। मतलब उनका जो भूण हत्या करने का जो आंकड़ा है वो 200 कन्या प्रति एक हजार लड़का तक पहुंच गया है। वहीं कोतरियांस गांव में इस तरह के हत्याओं की कल्पना करना भी निषेध है। इसी अघन मास के प्रथम दिन के महत्वपूर्ण रस्म के इंतजार के लिए घर के गाय बैल भैंसों बकरियों को एक दिन पहले ही नहला धोकर इनकी वर्ष भर देखभाल करने वाले कोपाल अर्थात राउत यादव समुदाय के द्वारा रात भर घर घर नृत्य संगीत के द्वारा सम्मान और खुशी के साथ इन पशुओं को जेठा सुहाई नेरंग पहनाकर सजाते संवारते हैं, ताकि अघन मास के प्रथम सूर्य किरणों के साथ उनका बुकुर्रा पेन ठाना व चूहका स्थल में बड़े सम्मान के साथ सेवा अर्जी किया जा सके। फिर उन्हें गोंडरी सिस्टम में उत्पादित प्रथम फसलों जैसे कुमोर अर्थात कुम्हड़ा झुनगा डांग कांदा कोचाई आदि की मिक्स खिचड़ी खिलाई जाती है। इसके बाद ही इन फसलों को मानवों द्वारा उपभोग की जानी शुरू होती है। धान व गोंडरी फसलों की बीज बुआई के वक्त मानसून की सूचक बीजापिट अर्थात पक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस चिड़िया के प्रति सम्मान प्रदर्शित की जाती है। गंगांग व सिलियारी जैसे कीट नियंत्रक वनस्पतियों को सम्मान दिया जाता है। इसलिए यह हमारे लिए हिता अर्थात इमली पंडुम है, कुमोर अर्थात कुम्हड़ा पंडुम है, गुंडे अर्थात कोचई पंडुम है। हमारे लिए यहाँ बुकुर्रा स्थल में कोंदाल अर्थात बैलों की सेवा है। हमारे लिए यह चूका में अपने अद्भुत प्राकृतिक भू संरचनाओं को अपने नाती के नाती के नाती के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने का एक महान उपक्रम है। पर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिक्कियों ने हमारी सहस्त्र शताब्दियों से जांची पर की रूढ़िगत परंपराओं विश्वासों को
ध्वस्त करने के लिए हमारे त्योहारों में ठीक आगे पीछे गलत तौर तरीकों को घुसपैठ कराकर छिन्न भिन्न कर रखा है। अब आप जरा सोचिए, क्या हमारे इस पवित्र सेवा रस्मों से ठीक पहली रात को पटाखे फोड़कर ध्वनि या वायु प्रदूषण करोगे? जुआ खेलकर ईमानदार आदिवासियों में भी छल कपट का दांव सिखाओगे? क्या यही गोंडवानालैंड के महान विश्व सम्राट कोसुडुमा की व्यवस्था है? क्या यही कोयत्रियन टेक्नोलॉजी के मूल रूप में भील, गोंड, उर्राव, संथाल, हो, कोया आदि समुदायों की प्रकृति रक्षा की वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा है? यदि नहीं, तो इस दिवाली पर आप दिक्रों द्वारा दिग्भ्रमित करने वाले आडंबरों से मुक्त होकर अपने पुरखों द्वारा सहस्त्र शताब्दियों से सहेजे प्रकृति प्रेम को अपने डीएनए में महसूस करते हुए गर्व का अनुभव करें। पाटलेर विष्णुपद्दा जी नार सिस्टम के व्याख्याकार कोंडागांव माकड़ी नार, गायता सुभाष नरेटी जी कोलर परगन माझी दर्रो जी के द्वारा प्रदत्त जानकारी व KBKS प्रशिक्षण शिविरों से अनुग्रहित अंशों पर आधारित क्रमशः अगले पोस्ट के लिए। जय सेवा प्रकृति सेवा, जय गोंडवाना सेवा, जोहार पुरूर, जोहार नारायण मरकाम सुधार्थी, KBKS बूम गोटुल यूनिवर्सिटी बेड़मा माड़। ये कुछ चित्र है सगजन। सादर सेवा जोहार।